कुल 6 सांसदों वाली पार्टी में 5 चाचा के पास हैं, छठे सांसद अकेले चिराग हैं। पार्टी में चाचा और चिराग के 2 गुट बन चुके हैं। जो चाचा रामविलास पासवान के जिंदा रहते उनके सबसे भरोसेमंद सिपहसालार होते थे, वो चाचा भतीजे की राजनीति के खिलाफ क्यों खड़े हो गए? आखिर परिवार में ये नौबत क्यों आई? भतीजे चिराग कहते रह गए कि पापा की पार्टी के वो अध्यक्ष हैं। उन्होंने दलीलें भी दी कि पापा ने उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया था। पार्टी के संविधान की भी दुहाई उन्होंने दी। मेरी पार्टी से जुड़े हुए कोई भी विषय को आप मेरी पार्टी के संविधान के विपरीत आप उस पर निर्णय नहीं ले सकते। मेरी पार्टी का संविधान कहता है कि जो भी हमारा नेता सदन में होगा, पार्लियामेंट में होगा या असेंबली में होगा, उसका चुनाव केंद्रीय संसदीय बोर्ड करेगा, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। चाचा ने उससे आगे की चाल चल दी। पटना में तुरंत पार्टी के नेता सूरज भान के घर पर बैठक बुलाई, अध्यक्ष पद का नामांकन दाखिल किया और चंद लम्हों में घोषित कर दिया कि वो पार्टी के नए अध्यक्ष हैं। आप संविधान की कॉपी पढ़ लीजिए, आप संविधान की कॉपी पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जायज है या ना जायज। अभी मैंने तो संविधान का हवाला दिया है, संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रत्येक 3 वर्ष में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा और निश्चय इस कुटी के जो हमारे माननीय सदस्य हैं वो मिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, जो आज हुआ है। इस लड़ाई में चिराग के चचेरे भाई का भी एक अहम किरदार है। चाचा से ज्यादा चिराग को भाई की भूमिका बदल जाने का अफसोस है। मैं दुखी हूँ बहुत ज्यादा। मेरा छोटा भाई नहीं, मेरे बेटे के समान रहा है वो। मुझे याद है बचपन में मैं उसको बायो केमिस्ट्री ये सब मैं पढ़ाता था, तो मेरे लिए प्रिंस कभी ऐसा करेगा मैंने कभी सोचा नहीं था सपने में। व्यक्तिगत तौर पर बहुत हर्ट हूँ, बहुत दुखी हूँ, पर जैसा मैंने कहा कि मेरी दोहरी भूमिका है, जहाँ पे एक परिवार की बात है वहीं पार्टी को भी संजो कर संभाल कर आगे बढ़ा के पार्टी की नीतियों के साथ बिना कोई समझौता किए हुए। कभी चिराग के पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक चतुराई के चलते कहा जाता था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सत्ता से बेदखल नहीं हो सकते। आज उन्हीं का बेटा पार्टी में अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है। चिराग की राजनीति पापा पासवान के पीछे चलते चलते शुरू हुई थी, लेकिन बाकी पारिवारिक किरदारों को रामविलास पासवान ने खुद जोड़ा था। रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक, मझले भाई पशुपतिनाथ पारस सांसद और छोटे भाई पूर्व सांसद दिवंगत रामचंद्र पासवान। रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी से 2 बेटियां हुई। दूसरी पत्नी रीना शर्मा से चिराग और 1 बेटी का जन्म हुआ। चिराग सांसद हैं। रामविलास पासवान के मझले भाई पशुपतिनाथ पारस ने पार्टी में तख्ता पलट किया और दिवंगत भाई रामचंद्र के बेटे प्रिंस राज, जो कि सांसद भी हैं, वो पशुपतिनाथ पारस के साथ और चिराग के खिलाफ खड़े। ये चाहते थे कि हम, कसक था कि हमारे भाई जो हैं, हमारे भैया जो हैं, हमको क्यों नहीं उत्तराधिकारी बनाए, ये कसक थी। क्योंकि राजनीति भी संपत्ति हो गया है, तो वह कसक जो है झगड़ा करा दिया और यह झगड़ा जो है विघटन करा दिया लोजपा में, परिवार में। तो यही होता है जब भी जो है वंशवाद, जात पर ये सब राजनीति होगी, और राजनीति जब संपत्ति बन जाएगा तो यही सब होते रहेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। पासवान परिवार की राजनीति की धुरी में रामविलास पासवान ही रहे। राजनीति ने वो दौर भी देखा जब प्रधानमंत्री कोई बने, किसी भी दल या गठबंधन का बने, रामविलास पासवान मंत्री जरूर बनते थे। वीपी सिंह, एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। हमारे भाई रामविलास पासवान जी गिन्नी बुक में नाम लिखाने वाले, अद्भुत मौसम वैज्ञानिक, दिल्ली वाले नहीं इसरो वाले। 6 प्रधानमंत्रियों के मंत्रिमंडल में रहने वाले रामविलास पासवान आखिरी समय में 6 सांसदों वाली पार्टी छोड़ गए थे, लेकिन उनका राजनीतिक रसूख कभी कम नहीं हुआ। उन्हीं की विरासत के चिराग अब पार्टी को लेकर परिवार के ही सवालों में घिरे।
किस हैसियत से चिराग पासवान जी 5 सांसद को निकाल देंगे या सस्पेंड करेंगे, वो उस संसदीय दल के नेता रहे ही नहीं, इसलिए वो हंसी मजाक वाली बात है, ये लड़कपन वाली बात है कि आपने 5 सांसद को पार्टी से निकाल दिया। लेकिन एक कड़ी परिवार की ही फिर से जुड़ रही। ओए बेटा, उसकी तो हसत नहीं, ये वो गलती हो गले कोची उनका हस घटिए हो गले तो उनका रास माफ मांग। अच्छा, मिल कर रहे मिल कर। हाँ बेटा, बिहार राजनीति ने भी इस कलह में अपनी भूमिका तलाशना शुरू कर दिया। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी का जो अपना संविधान है पार्टी का, उसके हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं और 5 सांसद अलग हटे हैं, तो 5 सांसदों का वो संसदीय दल के नेता हो सकते हैं, पार्टी का नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पार्टी संविधान से बंधा हुआ है और संविधान का मत साफ है कि जो जिला अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हैं, विभिन्न प्रदेशों के जो अध्यक्ष हैं, डेलीगेट्स हैं, वो वोटर होते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के। समय सब देख सुन रहा है और समय ही तय करेगा कि चिराग तले अंधेरा था या चिराग ही अंधेरे में रहा। मामला कोर्ट में भी जा सकता है और जनता की अदालत तो जाएगा ही।